जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा धोखाधड़ी के आरोप अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने कूटरचित स्टाम्प तैयार कर प्रतिरूपण द्वारा अवैध मुहर का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं कैंट पुलिस ने उनके कब्जे से कूटरचित न्यायिक व गैर न्यायिक स्टाम्प जिसकी कीमत लगभग 1,52,030 रुपए व प्रिंटिंग से संबंधित अन्य उपकरण को भी बरामद किया है। कमरुद्दीन, आपके ससुर का क्या नाम था? सामान के साथ एक फोटो बाहर करवा दीजिए, यही देख लो ना, देख पाएंगे फोटो इस देख लेंगे। जिससे साइज और वो मेटर मेजर करवा देंगे। सरपंच? हाँ सर, जो जिस डब्बे में आया जहाँ जैसे आप पैक करके लाए वैसा भेज शिफ्ट करके अपना सारा धंधा यहाँ से शुरू करना चाह फिर आ चलो ठीक है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। फरवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया, तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहाँ से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। स्टैम्प पेपर्स, फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं जिनमें से कि 1 गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और 1 देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज़ किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस
पूरी इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी SIT टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा गया। सर अभी तक कितने का स्टैंप ये सब बना चुके थे, कितना रिकवरी? देखिए इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन काफ़ी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज़ होती है, पेपर जो इसमें यूज़ होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज़ में यूज़ होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार? देखिए बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इनको छापा जा रहा था उसकी अरेस्टिंग हो गई है।